दोस्तों नमस्कार, इलेक्ट्रिकल लर्न यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों बरसात का सीज़न चल रहा है और आए दिन कहीं ना कहीं बिजली गिरने से काफ़ी लोगों की मौत होती है, तो फ्रेंड्स आज हम एक ऐसी ही डिवाइस के बारे में बात करने वाले हैं जिसे यदि आप लगा लेंगे तो इस तरह की दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स उस डिवाइस का नाम है लाइटनिंग अरेस्टर, जिसे लाइटनिंग प्रोटेक्शन डिवाइस या फिर लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यह डिवाइस किस तरीके से काम करती है, इस डिवाइस को लगाने के बाद बिजली से कैसे बचा जा सकता है, इस डिवाइस की रेंज कितनी दूर तक होती है, यह सारी चीज़ें आज के वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ ही इसका बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह के यूजफुल और टेक्निकल वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहें। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा कि फ्रेंड लाइटनिंग प्रोटेक्शन डिवाइस को किसी बिल्डिंग के ऊपर लगाया जाता है और लाइटनिंग प्रोटेक्शन डिवाइस उस बिल्डिंग की और बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को बिजली से बचाता है। जैसा कि फ्रेंड्स बरसात के दिनों में बिजली गिरना और बिजली कड़कना एक आम समस्या है, लेकिन यदि यह बिजली किसी भी बिल्डिंग पर गिर जाए तो उससे उस बिल्डिंग को भी नुकसान हो सकता है, उसके साथ ही उसमें रहने वाले लोगों को भी भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो इसी बिजली से बचने के लिए यानी लाइटनिंग से बचने के लिए इस तरह की डिवाइस घरों की छतों पर या फिर इंडस्ट्रीज में सबसे ऊंची वाली बिल्डिंग पर लगाई जाती है। अब हम समझ लेते हैं कि आकाशीय बिजली, जिसे हम लाइटनिंग स्ट्राइक भी कहते हैं, ये किस तरीके से काम करती है। जैसा कि यदि आकाश में बिजली कड़कती है तो वह कहीं पर भी गिर सकती है, लेकिन ज़्यादा संभावना ऊंची सतह पर गिरने की होती है। मान लीजिए कि यह कोई बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग पर यदि बिजली गिरेगी तो इस बिल्डिंग को गिरा सकती है या फिर इसमें रहने वाले लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसके साथ ही यदि इस बिल्डिंग के अंदर कोई इलेक्ट्रिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हैं तो उनको भी खराब कर सकती है, क्योंकि यदि बिजली गिरेगी तो बिजली हमेशा ज़मीन में जाने की कोशिश करती है और जिस रास्ते से बिजली को कम रेजिस्टेंस लगता है उसी जगह से बिजली ज़मीन में जाने की कोशिश करेगी। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं कि बिजली किस तरीके से ज़मीन में जाने की कोशिश करती है। मान लीजिए कि कोई एक बांध है, इस बांध के अंदर यदि पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो यह पानी बाहर निकलने की कोशिश करेगा, और मान लीजिए कि बांध का यह हिस्सा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो पानी सबसे पहले इस हिस्से को तोड़ेगा और यहाँ से निकल जाएगा। इसी प्रकार बिजली गिरती है तो वह सबसे कम रेजिस्टेंस वाले यानी सबसे कमज़ोर वाले रास्ते से ज़मीन में जाने की कोशिश करती है, और उस रास्ते के अंदर यदि कोई भी रुकावट आती है या कोई उपकरण आता है तो वह उसको भी नष्ट कर देती है। अब हम बात कर लेते हैं कि लाइटनिंग अरेस्टर किस तरीके से हमें और हमारी बिल्डिंग को बचाता है। जैसा कि लाइटनिंग अरेस्टर कोई भी बड़ा उपकरण नहीं होता है, इसे बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बनाया जाता है। यह एक पतला सा पाइप होता है जिसे या तो कॉपर से बनाया जाता है या फिर एल्यूमिनियम के द्वारा बनाया जाता है, और इस लाइटनिंग अरेस्टर को घर की सबसे ऊंची वाली दीवार पर लगाया जाता है या फिर कोई बिल्डिंग है तो बिल्डिंग की सबसे ऊंची वाली दीवार पर इसे लगाया जाता है। उसके बाद लाइटनिंग अरेस्टर के नीचे की तरफ से एक अर्थिंग स्ट्रिप निकलती है। यह अर्थिंग स्ट्रिप या तो कॉपर की हो सकती है या फिर एल्यूमिनियम की या फिर GI की हो सकती है। इस स्ट्रिप को ले जाकर अर्थ पिट में जोड़ दिया जाता है। अब फ्रेंड्स आप बोलेंगे कि अर्थ पिट क्या होता है और GI स्ट्रिप को हमेशा अर्थ पिट के साथ ही क्यों जोड़ते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स बिजली का जो प्रभाव होता है वह कॉपर के अंदर और एल्यूमिनियम के अंदर बहुत अच्छी तरीके से होता है। उसी के साथ साथ दोस्तों जो GI की स्ट्रिप होती है उसके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी तरीके से फ्लो होती है, क्योंकि इन तीनों मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है वह बहुत कम होता है और इसीलिए जो बिजली होती है वह इन मटेरियल से अच्छी तरीके से फ्लो होती है। और जैसा कि इस स्ट्रिप को ले जाकर अर्थिंग पीट के साथ जोड़ दिया जाता है, क्योंकि अर्थिंग पीट के अंदर भी आपने देखा होगा एक कॉपर की स्ट्रिप या फिर GI की स्ट्रिप डाली जाती है और उसके अंदर चारकोल और नमक को भी डाला जाता है, जिससे क्या होता है कि जहाँ पर अर्थ पीट बनाते हैं उस एरिया का रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है। रेजिस्टेंस कम होने की वजह से सारी बिजली इस अर्थिंग स्ट्रिप से होती हुई अर्थपीट में आती है और अर्थपीट में आकर धरती में समा जाती है। इसके साथ ही जो स्ट्रिप को लगाया जाता है वह हमारे घर में चारों तरफ लगाया जाता है, यानी बिजली कहीं पर भी गिरे तो वह चारों तरफ से होती हुई अर्थपीट में जाकर समा जाए। जैसा कि फ्रेंड्स अब मैं आपको बता देता हूँ कि कितनी दूरी तक लाइटनिंग अरेस्टर काम करता है और हमें लाइटनिंग अरेस्टर कहाँ पर लगाना चाहिए। जैसा कि फ्रेंड्स एक लाइटनिंग अरेस्टर 75 मीटर से लेकर 250 मीटर तक की डिस्टेंस को कवर करता है, यानी इस डिस्टेंस के बीच में यदि कोई भी बिजली गिरेगी तो वह लाइटनिंग अरेस्टर से होती हुई ज़मीन में चली जाएगी। लाइटनिंग अरेस्टर के बीच की दूरी लाइटनिंग अरेस्टर के हाइट पे डिपेंड करती है, उसी के साथ साथ लाइटनिंग अरेस्टर हमने कौन से एरिया में लगाया है उससे भी लाइटनिंग अरेस्टर की जो डिस्टेंस है वो वेरी होती है।
अब मैं आपको बता देता हूँ कि यदि लाइटनिंग गिरती है तो उसके अंदर कितना वोल्टेज रहता है और उस वोल्टेज के द्वारा कितना करंट डेवलप हो सकता है। जैसा कि यदि कोई बिजली गिरती है तो उस बिजली के अंदर 300 मिलियन वोल्ट का वोल्टेज हो सकता है, उसी के साथ साथ 30,000 एम्पियर तक उस बिजली के अंदर हो सकता है, और यह जो वोल्टेज है वह हमारे घरों के वोल्टेज से लाखों गुना ज़्यादा है। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह वोल्टेज कितना डेंजरियस और कितना खतरनाक हो सकता है। अभी कुछ न्यू टेक्नोलॉजी के लाइटिंग अरेस्टर भी आने लगे हैं, इन्हें ESC यानी आयोनाइज्ड लाइटिंग अरेस्टर और इसे एक्टिव लाइटनिंग रोड के नाम से भी जाना जाता है। ये लाइटनिंग अरेस्टर भी किस तरीके से काम करता है वो भी हम जान लेते हैं। पुराना जो सिस्टम है वो मैंने आपको बताया है, उस सिस्टम के अंदर हम कॉपर की रोड का यूज़ करते हैं। उस कॉपर की रोड को हम छत में 3-4 लोकेशन पर लगा देते हैं और उस रोड के द्वारा हमारी जितनी भी लाइटनिंग है वो ग्राउंड में चली जाती है। लेकिन नया वाला जो सिस्टम है उसके अंदर हमें छत पर एक ही जगह पर एक ही रोड लगाने की ज़रूरत पड़ती है, हमें अदर अदर लोकेशन पर रोड लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वाले लाइटनिंग अरेस्टर के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। जैसे ही मौसम ख़राब होता है या फिर बरसात स्टार्ट होती है तो वह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑटोमेटिक चार्ज हो जाता है और इस लाइटनिंग अरेस्टर के ऊपर एक हल्का सा स्पार्क डेवलप करता है, जिससे होता यह है कि यदि कोई भी बिजली हमारी पृथ्वी की सतह पर गिरती है तो उस कंडीशन के अंदर इसके अंदर ऑटोमेटिक चार्ज रहता है, तो यह उस बिजली को अट्रैक्ट कर लेता है और अट्रैक्ट करके ग्राउंड कर देता है। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि लाइटनिंग अरेस्टर घर पे क्यों लगाना ज़रूरी है, लाइटनिंग अरेस्टर कैसे काम कर सकता है, नया वाला लाइटनिंग अरेस्टर क्या है, और दोस्तों इसको हमें घर पे लगाना क्यों ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आपके कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।